अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम रिज़र्व वर्ड्स को सीखने जा रहे हैं कि रिज़र्व वर्ड्स क्या होते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर रिज़र्व वर्ड्स कितने हैं और उनको किस तरह प्रोग्रामिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि रिज़र्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो स्पेशल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी उनका प्री डिफाइंड यूज़ होता है और वो किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं हो सकते। अगर हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की बात करें तो सी प्लस प्लस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 80 के करीब रिज़र्व वर्ड्स हैं। अब हम कंपाइलर का वर्जन चेंज करें, यानी हम कंपाइलर का वर्जन 5.11 इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर हम 5.09 पे जाएं तो रिजर्व वर्ड्स की तादाद ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपने याद रखना है कि 80 के करीब सी प्लस प्लस के अंदर रिजर्व वर्ड्स हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पे एक प्रोग्राम देख सकते हैं जिसने बेसिकली 0 से 10 की रेंज में जितने इवन नंबर हैं वो प्रिंट करके देने हैं। अगर इसकी मैं आउटपुट आपको दिखा सकूं तो यहाँ आप इसकी क्लियरली आउटपुट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम ने प्रिंट किया है 2 से लेके 2, 4, 6, 8, 10, यानी 0 से लेके 10 की रेंज में जितने भी इवन नंबर थे इस प्रोग्राम ने प्रिंट किए हैं। अब इस प्रोग्राम के अगर रिजर्व वर्ड्स की बात करें तो इस प्रोग्राम में आप यहाँ देख सकते हैं एक 4 रिजर्व वर्ड इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इंट रिजर्व वर्ड्स है, इंक्लूड रिजर्व वर्ड है, यूजिंग रिजर्व वर्ड्स हैं, तो ये तमाम इस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होने वाले रिजर्व वर्ड है जो हाईलाइटेड फॉर्म में आप क्लियरली ब्लू कलर के देख सकते हैं। अगर हम इन रिजर्व वर्ड्स को किसी दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो हम इस प्रोग्राम के अंदर नहीं कर सकते, यानी 4 हम अब लूप बनाने के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके अलावा किसी दूसरे मकसद के लिए हम 4 इस्तेमाल करें तो हम 4 को नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम 4 को ऐसा वेरिएबल इस्तेमाल करना स्टार्ट करें तो हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यह प्रोग्राम एरर जनरेट करेगा। तो यह पॉइंट भी आपने याद रखना है कि हम रिजर्व वर्ड्स को वेरिएबल के नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा यह पॉइंट भी आपने याद रखना है कि रिजर्व वर्ड्स हमेशा जो है लोअर केस लेटर यानी छोटी ABC के अंदर लिखे जाएंगे। अगर ये 4 आपके सामने लिखा हुआ था रिजर्व वर्ड, इसको मैंने अपर केस लेटर में लिख दिया यानी F इसका एक कैपिटल किया, तो अब यहाँ देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। इसको जब रन करूंगा तो यहाँ इसने एरर जनरेट कर देना है। अब यानी इससे यहाँ ये अंदाजा हुआ है कि रिजर्व वर्ड ऐसे वर्ड जिनका स्पेशल मकसद है किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। रिजर्व वर्ड 80 हैं सी प्लस प्लस के अंदर और रिजर्व वर्ड हमेशा लोअर केस लेटर के अंदर लिखे जाने चाहिए।